वेलकम टू एजुकेट सॉफ्टवेयर। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको एल्गोरिथम के बारे में बताया था, तो आज आपको डिटेल में बताता हूँ कि जो एल्गोरिथम है वो क्या है और कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गूगल एल्गोरिथम होते क्या है। जैसे कि हम जैसे भी कोई भी यूज़र सर्च करता है, तो उसके अंदर जो भी वो कोई रिसर्च करता है तो उसका एक रिज़ल्ट आता है, आउटपुट आती है। तो उस आउटपुट को जो आउटपुट है वो किस तरीके से आता है, वो गूगल एल्गोरिथम की मदद से ही आता है। इसके लिए एल्गोरिथम हेल्प करते हैं कि आउटपुट किसका और कैसे आना चाहिए। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो डेफिनेशन में हम कह सकते हैं गूगल एल्गोरिथम क्या है। व्हेन वी टाइप एंड सर्च क्वेरी टू सीक द आंसर फ्रॉम गूगल, इट सर्व्स थ्रू द रेलिवेंट डेटाबेस एंड डिलीवर इट टू द यूजर्स बाय यूजिंग सर्टेन गूगल सर्च इंजन एल्गोरिथम। वी कैन से Google algorithm are set of rules which are used to filter the website based on ranking factor. Means आप जब भी कोई यूजर्स कोई भी क्वेरी सर्च करता है तो उसके उसका जो रिजल्ट आता है जो कि लिंक्ड होता है आपकी वेबसाइट से, कंटेंट से लिंक्ड होता है, तो ये नहीं कि सभी की सभी वेबसाइट उसमें शो होंगी। उसके अंदर रैंक वाइज टॉप पेज पे, रैंक वाइज टॉप पेज पे फिर वही वेबसाइट रैंक होंगी जो कि गूगल एल्गोरिथम को फॉलो करेंगी। ओके, तो SEO के लिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़र के लिए, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए ये आपका एल्गोरिथम के बारे में पता होना ज़रूरी है। ओके, इन सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि गूगल एल्गोरिथम आर यूज टू फिल्टर बैड वेबसाइट एंड हेल्प गूगल टू डी रैंक दोज वेबसाइट विच आर नॉट प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एंड यूज स्पैमी वे टू रैंकिंग हायर टू गूगल। यानी कि जो जिन्हें कहीं डुप्लीकेट कंटेंट है या वो कई वेबसाइट गुड नहीं है तो उसको उसकी रैंकिंग वो नहीं लेके आता, उसको सर्च इंजन में नहीं शो करता यूजर्स को, और दूसरी जो गुड वेबसाइट है उनकी रैंकिंग टॉप में रखता है गूगल। वो कैसे रखता है और हमने कैसे एल्गोरिथम पे वर्क करना है वो अब आपके बारे उसके बारे में बात करते हैं हम। ठीक है, आफ्टर सम मंथ इंट्रोड्यूस चेंजेस टू रैंकिंग। और ये जो सबसे बड़ी बात है कि कुछ समय के बाद ये जो है आपके एल्गोरिथम में कुछ ना कुछ अपडेट या चेंजेस आते रहते हैं। तो दो टाइप्स के अपडेट्स आते हैं एल्गोरिथम के अंदर, वन इज ऑफिशियल, दूसरा इज अनऑफिशियल। अभी ऑफिशियल कौन से होते हैं अपडेट्स और अनऑफिशियल अपडेट्स कौन से होते हैं जो कि एल्गोरिथम में आते रहते हैं। पहले हम बात करते हैं ऑफिशियल अपडेट्स की। ऑफिशियल अपडेट्स जो है ये वो होते हैं जिसके अंदर वो गूगल आपको दो या वन या टू मंथ के पहले नोटिस देता है कि मैं ये चेंजेस करते जा रहा हूँ, आप अपनी वेबसाइट में इससे रिलेटेड ये चेंजेस आप कर दीजिए। ये तो है आपके ऑफिशियल, क्योंकि अगर आपने ये चेंजेस नहीं किए तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग ड्रॉप हो जाएगी या फिर बस स्पैम में चली जाएगी। ओके, तो इस बात का SEO को जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अपडेट्स जो आ रहे हैं, और साथ में इसका एक बेनिफिट ये भी है कि ये नहीं कि क्लाइंट को एक बार रैंकिंग दे दी और उसके बाद उसका हमारा यूज़ ख़त्म हो जाता है, यानी कि डिजिटल मार्केटर या SEO का रूल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहते हैं, अपडेट्स आते रहते हैं, और इसलिए हमारी रैंक ऑलवेज टॉप में रहे, फर्स्ट पेज में रहे। तो उसके लिए कंपनी को, जिस कंपनी जो कोई हर कंपनी हायर करती है वो परमानेंट हायर करती है, ना कि टेम्परेरी वन एक बार उन्होंने हायर किया और उसको टॉप रैंकिंग पे ले आए और उसके बाद उनका काम खत्म हो गया। क्योंकि अब एल्गोरिथम के अपडेट्स टाइम टू टाइम आते रहते हैं, ये आपको क्लाइंट्स को समझाना होगा, तभी उनकी रैंकिंग ऑलवेज टॉप पेजेस पे रहेगी। ओके, और अनऑफिशियल अपडेट्स क्या होते हैं? अनऑफिशियल अपडेट्स होते हैं जैसे कि उसके अंदर अगर माइनर कुछ चेंजेस किए हैं उन्होंने, तो वो होते हैं आपके अनऑफिशियल अपडेट्स। ठीक है, तो उससे आपके उसके अंदर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा रैंकिंग और वेबसाइट के अंदर, पर फिर भी हमें उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। ओके, अब हम कहते हैं कि बेनिफिट क्या है एल्गोरिथम के। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, एल्गोरिथम का बेनिफिट क्या है, एल्गोरिथम के बेनिफिट के अंदर ये है कि गूगल कमिटमेंट टू टर्निंग अप ओनली द मोस्ट हेल्पफुल रिजल्ट इन द मोस्ट क्वेटेड फर्स्ट सर्च इंजन रिजल्ट पेज SERP, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, आगे हम जब भी बात करेंगे तो SERP के थ्रू ही बात करेंगे, हैज़ ड्रिवन देम टू प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंट सर्च एल्गोरिथम
to decide which website are deserving of the limited number of slots. Okay, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बेनिफिट और इसकी नीड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप कोई भी यूजर्स आपका कोई भी अपनी क्वेरी लिखता है तो आपका कंटेंट या आपकी वेबसाइट टॉप पेज पे रैंक कैसे करेगी, तो ये सब ये सब एल्गोरिथम के थ्रू ही हो कर सकते हैं। हम एल्गोरिथम को फॉलो करके ही हम कर सकते हैं तो उससे हमें बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। ओके, एल्गोरिथम कैरीड आउट बाय द गूगल आर मेंट टू आइडेंटिफाई एंड सेलेक्ट टॉप रिजल्ट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रैंकिंग फैक्टर। ओके, अब एल्गोरिथम की बात करेंगे तो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है आपका जो इंट्रोड्यूस हुआ था पांडा, गूगल पांडा, ये 2011 में इंट्रोड्यूस हुआ था, फरवरी 2011 में। इसका क्या काम है, इसके अंदर ये काम, इसका एक वर्क है कि जो भी डुप्लीकेट कंटेंट्स हैं आपकी वेबसाइट के, जो भी डुप्लीकेट कंटेंट्स हैं वो अगर वो उनको चेक करता है, अगर आपके डुप्लीकेट कंटेंट्स हैं तो आपकी रैंकिंग जो है नीचे चली जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। अगर आपके यूनिक कंटेंट है तो उसकी आपकी वेबसाइट को टॉप पे रखेगा, टॉप रैंकिंग में रखेगा। ओके, तो इसकी अगर आप इसके बारे में ही पढ़ेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। गूगल पांडा अपडेट्स इज अ रिसर्च फिल्टर इंट्रोड्यूस इन फरवरी 2011। इट वर्क्स टू आइडेंटिफाई द क्वालिटी ऑफ कंटेंट ऑफ द वेबसाइट, यानी कि कंटेंट की जो क्वालिटी है उस पर वर्क करेगा कि ये यूनिक होनी चाहिए। इट वर्क्स ऑन चेक द डुप्लीकेट कंटेंट ऑफ योर वेबसाइट, इफ देयर इज अ डुप्लीकेट कंटेंट देन रैंकिंग ऑफ वेबसाइट विल गो डाउन। ओके, दूसरा एल्गोरिथम आता है गूगल का, गूगल पेंजियन, ये 2012 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसका जो वर्क है ये आपके लिंक चेक करता है कि आपके लिंक जो है स्पैम लिंक तो नहीं है। स्पैम लिंक मतलब कि आपने एक्सचेंज तो नहीं किया एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट में आपस में एक दूसरे चेंज करके ताकि आपकी रैंकिंग थोड़ी इंक्रीज हो जाए वेबसाइट की, तो ये उन सब लिंकों को चेक करता है। तो गूगल लॉन्च था पेंजियन इन अप्रैल 2012। इट वर्क्स टू वेरीफाई द बैड लिंक्स एंड गुड लिंक्स, इफ़ यू एक्सचेंज लिंक्स ऑफ एनी विद एनी वेबसाइट तो उसको वो स्पैम में रखता है। ओके, यानी कि उसके वो बैड लिंक मानता है और उसकी रैंकिंग ड्रॉप कर देता है। ओके, तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो कंटेंट का यूनिक होना चाहिए और ये दूसरा ये जो हमारा लिंक है वो गुड लिंक होना चाहिए ना कि बैड लिंक। ओके, इसमें फॉलो लिंक, डू फॉलो लिंक्स वगैरह आते हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि ये सब क्या रहते हैं। ओके, उसके नेक्स्ट जो एल्गोरिथम आता है गूगल एल्गोरिथम का, गूगल हमिंग बर्ड, ये 2013 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो इसका क्या है, जैसे कि हमने कोई क्वेरी लिखी, जैसे ये एक क्वेरी का सिंपल वर्ड नहीं देता, जैसे हमने लिखा शूज़ तो इससे सिंपल नहीं लिखा, तो हम अगर क्वेरी पूरी टाइप करें कि टॉप शूज शॉप नियर मी, तो ये पूरा का पूरी जो, या टॉप शूज शॉप इन दिल्ली, तो ये पूरी का पूरी जो क्वेरी है उसको सर्च करेगा और उसके हिसाब से जो भी रिलेटेड कंटेंट्स हैं वेबसाइट के, जिससे भी किस वेबसाइट के अंदर कंटेंट है उसका रिज़ल्ट उसमें देगा, ना कि एक सिर्फ शूज़ को लेकर आपको रिज़ल्ट देगा। तो इससे क्या हुआ कि जो क्वेरी है वो बिल्कुल रेलिवेंट होती है यूजर्स के। ओके, और जो रिज्यूज को वो बेस्ट रिजल्ट देती है, तो इसीलिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था गूगल हमिंग बर्ड 2013। तो अगर हम कहें तो गूगल हमिंग बर्ड के बारे में, तो गूगल इंट्रोड्यूस हमिंग बर्ड एल्गोरिथम इन सितंबर 2013। द नेम कम्स फ्रॉम बींग प्रिसाइस एंड फास्ट एंड इज डिजाइन टू बेटर फोकस ऑन द मीनिंग बिहाइंड द वर्ल्ड। ओके, यानी कि वो बेस्ट रिजल्ट आपके यूजर्स को दे सके। इट वर्क्स ऑन क्वेरी, यानी कि पूरी क्वेरी पे वर्क करता है। हमिंग बर्ड इज पेइंग मोर अटेंशन टू ईच वर्ड इन ए क्वेरी, यानी कि वो कंप्लीट क्वेरी को रीड करता है, इंश्योरिंग दैट द होल क्वेरी द होल सेंटेंस और कन्वर्सेशन और मीनिंग इज टेकन इन टू अकाउंट रादर दैन पार्टिकुलर वर्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया था, द गोल इज दैट पेजेस मैचिंग द मीनिंग होल क्वेरी रादर दैन पेजेस मैचेस जस्ट अ फ्यू वर्ड। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका एल्गोरिथम गूगल पिजन्स, जो कि 2014 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था। इसका क्या काम है, इसके अंदर ये काम है कि
इस गूगल मैप को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। गूगल मैप को गूगल ने कहा कि जो भी गूगल मैप को यूज़ करेगा अपनी वेबसाइट के अंदर, उसकी रैंकिंग को मैं इंक्रीज़ करूँगा ताकि यूजर्स को बेस्ट रिजल्ट दे सके। क्योंकि कहीं पर यूजर्स क्या होता है कि सर्च करता है कि अपना पार्टिकुलर लोकेशन के अंदर कि डेंटिस्ट इन इन पार्टिकुलर दिल्ली की लोकेशन हो गई, कहीं जैसे कहीं भी आपकी हो गई उत्तम नगर या कोई भी, तो उसको बेस्ट रिजल्ट वहाँ का दे सके। तो इसके लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था अपना गूगल पिजन, जिसके अंदर वो आपको लोकली यूएस को लोकेशन वाइज आपको रिजल्ट दे सके। तो इसको हम कह सकते हैं गूगल पिजन लोकेशन लॉन्च ऑन जुलाई 2014, इट्स वर्क फॉर लोकल सर्च रिजल्ट्स। गूगल स्टेटेड दैट दिस न्यू एल्गोरिथम इम्प्रूव्स देयर डिस्टेंस एंड लोकेशन रैंकिंग पैरामीटर। जैसे मैंने आपको बताया था कि रैंकिंग जो इससे आपकी इंक्रीज़ होगी, अगर आपने अगर गूगल मैप को या सर्च गूगल मैप को आपने वेबसाइट में अपने लिंक किया हुआ है, ओके, ताकि यूजर्स को लोकली जो भी लोकल है यूजर्स अगर लोकली सर्च करना चाहे तो उसको नियर बाई की लोकेशन का रिजल्ट प्राप्त हो सके मिल सके। गूगल मैप शुड बी इम्प्लीमेंट इन योर वेबसाइट, इट वर्क्स फॉर User means if user search any query, then result will show nearby location of the users. बिल्कुल simple language में आपको लिखा है ताकि आपको clear हो जाए, okay? उसके बाद next आता है आपका Google Mobile Gateway, क्योंकि आने वाला time जो है ये 2014 में launch हुआ था, introduce हुआ था, कि अब जो time है वो time है आपका mobile का। तो आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो ये नहीं कि आप पहले कंप्यूटर ऑन करते हैं उसके बाद सर्च करते हैं सर्च इंजन का। आजकल मेजर यूज जो गूगल सर्च इंजन का होता है वो होता है आपका मोबाइल के अंदर, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने ये लॉन्च किया था ताकि कोई भी जो वेबसाइट बनाए वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम यूजर जो कन्वर्ट हो गए हैं मोबाइल के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं, और सबसे ज़्यादा यूजर्स जो सर्च करते हैं मोबाइल के अंदर ही सर्च करते हैं। तो इस एल्गोरिथम को लाने की इसलिए ज़रूरत पड़ी थी। तो ये गूगल एल्गोरिथम जो लाया गया 2015 के अंदर, गूगल रिलीज इसको इसकी ये डेफिनेशन किया, गूगल रिलीज्ड ए सिग्निफिकेंट न्यू मोबाइल फ्रेंडली रैंकिंग एल्गोरिथम दैट डिजाइंड टू गिव ए बूस्ट टू मोबाइल फ्रेंडली पेजेस इन गूगल मोबाइल सर्च रिजल्ट, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए हम अब उन्होंने उसने टूल्स भी लेके आया अपना गूगल मोबाइलेशन के लिए, कि आप अपना जब वेबसाइट आप बनाते हैं तो उसको उसके अंदर टेस्टिंग टूल भी से भी आपको टेस्ट करना चाहिए कि आपकी उसके अंदर क्या रैंकिंग है, क्या रिजल्ट आता है आपका। वन ऑफ द बेस्ट वे टू प्रिपेयर इज टू टेस्ट द गूगल कंसीडर योर वेब पेजेस टू द मोबाइल फ्रेंडली बाय यूजिंग इट्स मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट टूल, जो कि उन्होंने मोबाइल गूगल ने मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट टूल इंट्रोड्यूस किया, जिसके अंदर आप अपनी वेबसाइट क्या चेक कर सकते हैं कि वो कितनी मोबाइल फ्रेंडली है, ओके। जितनी आपकी मोबाइल फ्रेंडली होगी उतना ही आपकी रैंकिंग इंक्रीज होगी, ओके। उसके बाद 2015 के अंदर जो नया एल्गोरिथम इंट्रोड्यूस किया गूगल ने, उसका नाम दिया गूगल रैंक ब्रेन। ये जो है गूगल रैंक ब्रेन इस मेजर फैक्टर आपकी रैंकिंग का, ओके। तो इसके अंदर क्या करना, इसकी ये क्या होता है और कैसे वर्क करता है, तो इसको मैं बता दूं। आपने जैसे भी कोई भी क्वेरी लिखी तो क्वेरी आपकी अगर कंटेंट से मैच करती है तो आपका रिजल्ट आपके टॉप में शो होगा, ओके। तो रैंक ब्रेन का ये काम है आपका, और ये जो रैंक ब्रेन है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से काम करता है, ओके। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो हम ये कह सकते हैं रैंक ब्रेन इज अ मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम डेट हेल्प्स गूगल प्रोसेस सम ऑफ इट्स रिजल्ट्स इट पार्टिकुलर रेयर ऑफ वन ऑफ द काइंड क्वेरी। जैसे कि हमने क्वेरी सर्च की है कि हु इज़ द प्राइम ऑफ इंडिया, तो आंसर आएगा नरेंद्र मोदी जी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जो भी ये कंटेंट आपके वेबसाइट से मैच करेगा तो वो ऑटोमेटिकली उसको टॉप रैंकिंग में देगा। तो ये काम करता है रैंक ब्रेन के थ्रू। रैंक ब्रेन इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ हेल्पिंग ऑन रिफाइन क्वेरीज डेट हेल्प गूगल प्रोसेसेस, बट द कंपनी से डेट द सिस्टम इज आल्सो यूज टू हेल्प रैंक वेब पेजेस, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इन फैक्ट गूगल से रैंक ब्रेन इज द थर्ड इम्पोर्टेंट रैंकिंग फैक्टर, ओके। तो इसका इन सब चीज़ों को मैं कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, वो मैं आपको आगे फर्दर बताऊंगा, ओके। पहले सबसे पहले आपको एल्गोरिथम के बारे में पता होना चाहिए, ओके। उसके बाद गूगल ने नया जो
एल्गोरिथम लॉन्च किया 2016 के अंदर, उसको उसका नाम दिया गूगल पॉसम। गूगल पॉसम जो है इसका क्या वर्क है, इसका गूगल पॉसम जो है कि जो जैसे कि आप गूगल यूजर्स सर्च इंजन में कोई भी जैसे नियर जैसे जो होता है डेंटिस्ट नियर मी, वो अपनी लोकेशन नहीं भी लिखेगा तो ऑटोमेटिकली जो सर्च रिजल्ट है उसके नियर बाई शो होगा। तो ये वर्क आपका गूगल पॉसम करता है, क्योंकि मैप इंट्रोड्यूस आपको पहले बता देता था उसमें हो चुका है। तो उसके बाद ये गूगल पॉसम वर्क जो वर्क करता है, ये आपका नियर बाय लोकेशन पे वर्क करता है। ताकि इसके अंदर एसईओ सर्विस का काम आता है कि वो आपके जो भी वेबसाइट है उसके अंदर आपका मैप जो है इंट्रोड्यूस करे, ताकि इसके बेस्ट रिजल्ट आपका टॉप पर रैंकिंग का रिजल्ट पे आ सके। वो टॉप रैंकिंग का रिजल्ट तभी आएगा आपका, क्योंकि जैसे ही डेंटिस्ट कोई भी यूजर टाइप करेगा अपने लोकली या कोई और शूज शॉप टाइप करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो नियर बाई की सबसे पहले वो दिखाएगा नियर बाई लोकेशन का, जो भी उसके नियर बाई लोकेशन है। तो वो तभी दिखाएगा जब आपके जब भी एसईओ जो एसईओ यानी कि हम डिजिटल है ये जो है डिजिटल मार्केटर, उसके अंदर आपका उसके अंदर आपकी वेबसाइट में मैप जो मैप है वो लिस्टिंग करेगा। ओके, तो हम इसको कह सकते हैं एक डेफिनेशन में, द गूगल पॉसम इंट्रोड्यूस इन सितंबर 2016, द गूगल पॉसम इज यूज टू अपडेट योर वेबसाइट लोकेशन इन द लोकल गूगल सर्च इंजन सर्च रिजल्ट। ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट के अंदर साथ में आपकी मैप भी साथ में अटैच है तो आपको आप टॉप रैंकिंग में रिजल्ट देगा। दिस सबसेट विल हेल्प यू फिल्टर एंड लिस्टिंग अफोर्डेबल एसईओ सर्विसेज विच गेट शोज अप इन द गूगल मैप सर्च रिजल्ट। ओके, द पॉसम अपडेट हैज अपहेल्ड द सिग्निफिकेंट of the searchers location on the local serps, okay, search engine. It will help local businesses fix their addresses and based on enormous spike in ranking. Okay, तो आपकी जो ranking है वो boost करेगी, increase होगी अगर आपने Google Map को अपने website के साथ में link किया हुआ है, list किया हुआ है. It is even better for organic search filter. इसके अंदर कोई paid नहीं है, ये बिल्कुल free of cost है। तो आप इस जब भी आप वेबसाइट बनाएं तो इसके अंदर आप गूगल मैप को साथ में जरूर लिस्टिंग कीजिए, गूगल मैप की भी साथ में, और उसको अपने वेबसाइट में जरूर अटैच कीजिए, क्योंकि इससे जो भी आपका लिस्ट ऑर्गेनिक रिजल्ट है वो इमीडिएटली शो होगा आपके किसी भी यूजर्स को। ओके, तो ये थे आपके कुछ एल्गोरिथम। एक लास्ट एल्गोरिथम आता है आपका गूगल फ्रेड। ठीक है, गूगल फ्रेड के बारे में आपको बता दूं कि गूगल फ्रेड क्या करता है। गूगल फ्रेड जो है कि जो कि पहले इसकी आपकी डेफिनेशन पढ़ाया था कि क्या है, द गूगल फ्रेड इंट्रोड्यूस इन मार्च 2017, ये आया था मार्च 2017 में। गूगल फ्रेड इज ए एल्गोरिथम अपडेट्स डेट टारगेट ब्लैक हैट टैक्टिक्स टाइड टू एग्रेसिव मोनेटाइजेशन। दिस इंक्लूड एन ओवरलोड ऑन एड्स लो वैल्यू कंटेंट्स एंड डिटेल एडेड यूज़र बेनिफिट। मीन्स कि कहीं पर क्या होता है कि आपकी वेबसाइट है तो अपनी वेबसाइट के अंदर रैंकिंग के लिए जो यूजर्स जो जो कहीं पर क्या होता है कि रैंकिंग के लिए हम टॉप में भी बॉटम में भी राइट लेफ्ट और भी सब जगह ऐड दे देते हैं, तो जिससे कि वो कंफर्टेबल नहीं रहता यूजर्स। तो ये उसको चेक करता है कि जो आपने एड्स दिए हैं वो प्रॉपर है कि नहीं, जिस कि ज़्यादा कहीं ऐसा तो नहीं कहीं ज़्यादा आपने एड्स दे रखे हैं जिससे कि यूज़ को दिक्कत हो रही है। तो गूगल फ्रेड उनको चेक करता है, अगर उसके कंटेंट को चेक करता है और अगर कोई बैड कंटेंट है उसको भी चेक करता है, नहीं तो और उसकी रैंकिंग उस हिसाब से अप और डाउन करता है, ड्रॉप कर देता है। ओके, तो ये आपके कुछ एल्गोरिथम थे। इन एल्गोरिथम को फर्दर आगे कैसे यूज़ करना है आपकी वेबसाइट के अंदर वो मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि आपको मैं बता दी कि कंटेंट आपका यूनिक होना चाहिए, मैपिंग मैप आपका गूगल मैप इंट्रोड्यूस होना चाहिए। ठीक है, यूनिक कंटेंट आपको बताई दिया है, और इसके अलावा आपको इस जो क्वेरी है वो कंप्लीट क्वेरी कंप्लीट क्वेरी भी आपकी मैपिंग में हेल्प करेगी, मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। ओके, तो ये सब चीज़ें आपके उसमें रैंकिंग में हेल्प करेंगी। ओके, कोई बैड लिंक नहीं होना चाहिए, सारे गुड लिंक होने चाहिए। गुड लिंक कैसे बनाने हैं वो भी आपको बताऊंगा, डू फॉलो नो फॉलो लिंक्स। ओके, ये सब आपके उसमें हेल्प करेंगे। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको फर्दर आपको आगे डिटेल में बता सकूं और आपको कंप्लीट कोर्स आपको करवा सकूं, और आप एक डिजिटल मार्केटर प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर बन सके, और आपको कैसे वर्क लेना है, कैसे वर्क आपको मिलेंगे, उसके लिए मैं आपको पूरा सेटअप आपको पूरा कोशिश करूँगा कि आपको पूरा सेटअप आपका डेवलप करवा सकूँ। ओके, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।